हे गाइस, अभी बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने एक्सेप्ट किया भाई साहब, तमिलनाडु में इस मंदिर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। इस वक्त मैं हूं तमिलनाडु और ये जिस जगह है हम लोग वे है वेदासंदूर करके ये जगह है भाई साहब। और बता दें आप लोगों को कि कल जहां हम लोग रुके थे शाम को, यहां से समथिंग 9-10 किलोमीटर पीछे रुके थे भाई। तो बात ऐसी हुई कि मैं और दीपक भैया भाई वॉकिंग चल रहे थे, मतलब पैदल चल रहे थे। तो हमने सोचा चलो 10-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वैसे शाम हो गई थी यार कल चलने में, तो हम लोग 10-15 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद रात हो गई समथिंग 7:30-8 बज गया। तो नीचे हम लोग चाय की दुकान में बैठे चाय पी रहे थे, तभी एक भैया मिले केरला के यार। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या वगैरह। तो सारी चीज़ें हमने बताई, बताने के बाद उन्होंने दीपक भैया ने बोला यार कैंपिंग करना है, कोई जगह बताओ कहीं कैंप करके रात बितानी है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं यार, आप हमारे दुकान के ऊपर सो सकते हो, बहुत सी जगह है। तो भाई साहब इस वक्त हम दुकान के ऊपर हैं, इनके मतलब नीचे दुकान है, इनकी सुपर मार्केट है और हम हैं ऊपर। ये देखिए यहाँ है, बहुत ढेर सारी जगह है रहने के लिए, सोने के लिए, और रात को खाना वाना भी खाएं साथ ही साथ यहाँ रात बिताएं। भाई साहब फ्री में वाईफाई मिला 3-4 वीडियोस अपलोड किए हमने। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग पैदल निकलेंगे मदुरई के लिए। मदुरई समथिंग यहाँ से 70-80 किलोमीटर है शायद। हे गाइस, तो रेडी हो चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं अब मदुरई की तरफ। बहुत अच्छे से खातिरदारी किया यार केरल वाले भैया ने, यहाँ रहने के लिए दिए थे यार, मज़ा आ गया यार। हे गाइस, इस वक्त हम हैं तमिलनाडु वेदासंदूरम में। तो बता दें गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं एक फ्लैग लेने भाई, दीपक भैया और दो यहाँ के लोकल हैं, उनसे हम लोगों ने बात की, पूछा तो बोले कि चलो मैं आप लोगों को दुकान दिखाता हूँ कहाँ मिलेगा फ्लैग। तो अभी हम लोग चल रहे हैं भाई साहब फ्लैग लेने के लिए। ये देखो भाई को थोड़ा हिंदी कम आती है यार, वो यहीं के लोकल के हैं, तो अभी फ्लैग दिलवाएंगे हम के, चल हमको चल के आगे दुकान पे। तो ठीक है भाई। हे गाइस, तो फाइनली हम भाई साहब बुक स्टॉल आ चुके हैं, मतलब किताबों की दुकान में आ चुके हैं। यहीं बताए थे अन्ना कि यहीं फ्लैग मिलेगा, तो अभी यहाँ भी हम फ्लैग देखते हैं, अगर मिलता है तो फ्लैग लेके आगे निकलेंगे भाई साहब। समथिंग 15-20 किलोमीटर पैदल चल लिए हैं। एक्चुअली यार तमिलनाडु में धूप बहुत होती है यार, तो अभी एक छोटा सा ढाबा है तो अभी यहाँ आए, थोड़ा कुछ खा लेते हैं यार, बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ खाई नहीं, तो देखते हैं क्या मिलने वाला, यहाँ से खाना खा लेते हैं उसके बाद आगे निकलते हैं भाई। भाई फर्स्ट ईट एंड देन। तो भाई अब ये देखो अनुराग भाई लगे पड़े हैं खाने में, क्योंकि इनको लगी थी भूख। और यहाँ पर देखो डोसा है और सॉस है, 3-4 टाइप की सॉस है। चलो भाई खाना खाओ और हम भी खाना स्टार्ट करते हैं भाई, इनकी ब्लॉग के चक्कर में हमको बहुत तेज भूख लगी है भैया। तुम खाओ और हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना। हे गाइस, हम लोग पैदल पैदल चलते हैं रोड पर, तो कोई ना कोई मिल जाता है भाई साहब, बाइक के रोकता है, कोई कार रोकता है, कोई कुछ भी रोक देता है, बोलता है यार चलो बैठ जाओ, हम लोगों को आप लोगों को आगे तक छोड़ देते हैं। बट यार मज़ा नहीं आ रहा, दीपक भैया के साथ हूँ तो मैं पैदल ही चलूँगा, बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब। हे गाइस, देखिए तमिलनाडु में सभी भाई लोग हम लोग चल रहे थे रोड पर पैदल, तो सभी लोगों ने गाड़ियाँ रोकी, पैदल भी आए, ये भाई स्पेशली आए सेल्फी लेने के लिए यार। और साथ ही साथ इन लोगों ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किए हैं, तो सही, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हे गाइस, तमिलनाडु में भाई साहब बहुत गर्मी यार, इतनी धूप है कि हम लोगों को मजबूरी में छतरी लगानी पड़ी है, देख लीजिए, तो पसीने पसीने हो रहे हैं यार, चलते हैं। बुरा हाल है यार, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, किसी पेड़ के नीचे छांव के नीचे बैठेंगे और छाते पकड़ा वो खाएंगे। जिन भैया ने ये गिफ्ट दिया हमारे लिए, बिस्किट है और ठंडा है छोटा वाला, तो इसको चल के आगे खाएंगे पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर चलेंगे भाई। तो यार इस सफ़र में बहुत से लोग तमिलनाडु के जो मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है यार, बहुत हेल्प करते हैं यार। हे गाइस, समथिंग 15-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भाई साहब काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो हमने दूसरी साइड में रुका है, थोड़ा पेड़ है, इधर छाँ है, उस तरफ छाँ नहीं मिल रहा था यार, तो हमने सोचा चलो इस तरफ छाँ है तो इधर बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो बिस्किट खा रहे थे यार गुड्डे, दोनों लोग खा रहे थे, मैं और दीपक भैया, और इसके बाद फिर पानी वगैरह पियेंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो बहुत धूप है यार तमिलनाडु में, इतनी गर्मी, इतनी धूप है मत पूछो यार, यहाँ तो साला इतनी गर्मी, पता है यहाँ पे जो गर्मी होती है, गर्मी का लेवल होता है मिनिमम टेम्परेचर जो इनका 30 डिग्री है और मैक्सिमम 90 डिग्री है, 90 डिग्री,
तभी लोग यहीं मिल जाते हैं, अदरवाइज यार ये भी हमारे जैसे तभी तो तमिलनाडु वाले अन्न काले होते, हमारी तरह गोरे नहीं होते भाई। बेचेट गाते हैं यार, पानी पी लेते हैं। अब भाई साहब एक्चुअली बात ऐसी है ना, मैंने अभी चेकिंग स्टॉप कर दी, मैं भी भाई वॉल की चल रहा हूँ, दीपक भैया के साथ पैदल चल रहा हूँ, पैदल का मज़ा लेता हूँ यार, पैदल चलने में काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई पैदल चलने में यार। कभी हम लोग पैदल इतना चल नहीं पाते हैं ना, तो बीमारी ये वो फलाना ढिंका होने लगता है, तो हम सोचे यार चलो पैदल चलते हैं, पैदल का भी मज़ा लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, आगे जो हमारी जर्नी है जारी रहेगी पैदल चलने वाली, जहाँ कहीं भी हम रुकेंगे फिर बताएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को, कैंपिंग वगैरह करेंगे तो सब चीज़ें दिखाएंगे। हे गाइस, 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भाई साहब एक छोटा सा गांव आया, तो हम लोग थोड़ा रुक के वहाँ थोड़ा सोचे यार, एक तो धूप यहाँ इतनी ज़्यादा है तमिलनाडु में, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो कुछ गांव के लोग आए यार, हमको बुलाए यार कि चलो चाय वगैरह पी लो, नाश्ता वगैरह कर लो। ये देखो ये जा रहे हैं जो, तो यार हम लोग भी ना नहीं कर पाते यार, सफ़र में क्या करें यार। तो हमने सोचा यार चलो ठीक है, चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी अपने पास बहुत टाइम है यार, शायद 2 बज रहा है दोपहर को। तो ये देखें, ये पीछे भैया इनकी दुकान है, इन्होंने हमें बुलाया है नाश्ते चाय के लिए, चलिए आगे चलते हैं यार। तो यार कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह, स्टेट भले दूसरे हों, लैंग्वेज बेशक दूसरी हो, बट इंसानियत होती है लोगों के पास, बहुत ही ज़्यादा इंसान है। तो हे भैया ने बुलाया हमको चाय वगैरह। हे गाइस, सबसे पहले भैया ने हमें इनवाइट किया था इधर चाय के लिए, मैं बता दूँ ये सभी लोग गांव के रहने वाले हैं, हिंदी ओके, नहीं हिंदी ओनली, सब तमिलनाडु वाले, इनको हिंदी किसी को नहीं आती भाई साहब, कोई जाते नहीं, सीखते ही नहीं। हाँ ये भैया को थोड़ा थोड़ा आती है हिंदी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चाय के लिए, मस्त। और देखिए इधर दीपक भैया भी क्या कर रहे हैं, इधर टुकुर टुकुर कुछ कर रहे हैं मोबाइल में। तो एक छोटा सा गांव है, व्हाट्स अ विलेज नेम, गांव का नाम क्या है? दिंडिकल स्टार्ट, अच्छा दिंडिकल ये टू। तो भाई साहब जिस जगह पे हम हैं वो गांव का नाम है दिंडिकल। तमिलनाडु में ऐसे नाम होते हैं भैया, देख ले, वो अपने यूपी बिहार में ऐसे नाम नहीं रख सकते। मज़ा आ गया यार इधर, मतलब क्या बात है, हेल्प बहुत मिल रही है यार, सभी लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और साथ ही साथ इन लोगों ने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हे गाइस, अभी भैया मिले थे रास्ते में, समथिंग 5-6 किलोमीटर पहले मिले थे, तो इन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया इस छोटी सी दुकान पे, चाय वगैरह पिलाए हैं। देखो दीपक भी हम लोग रेडी हो रहे हैं बस यहाँ से निकलने के लिए। एक्चुअली बात ऐसी है ब्रो कि मुझे लगा था कि भाई मुझसे बात करें और वहाँ से निकल गए, बट जब मैं आगे आया तो अगेन ये मुझे मिले और कौन रहेगा, ये अगेन मुझे मिले और बोले कि भाई आप मेरे साथ साथ आओ, और पास में थोड़ा सा आए इन्होंने, यहाँ पर इनकी खुद की टी स्टॉल है, शॉप है, तो यहाँ पर इन्होंने इनवाइट करा। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच, काफ़ी मतलब मज़ा आ गया यार, एकदम अलग ही वाइब है एकदम। व्हेन आई एंटर्ड इन द तमिलनाडु, यू नो लाइक आई जस्ट फील वेरी न्यू वाइब, एवरीथिंग न्यू। थैंक्स, तो मज़ा आया भाई साहब मिलके भैया से, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। तो भाई साहब यहाँ गर्मी बहुत है, हाउ बहुत गर्मी भाई, कितने डिग्री सेल्सियस आज, टुडे 32 भाई, 32 डिग्री सेल्सियस है, बहुत पसीने निकल रहे हैं यार, क्या करें, पहुंच के परेशान हो रहे हैं। हे गाइस, देखिए तमिलनाडु में इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, भैया ने हमें ये अम्ब्रेला गिफ्ट किया है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो 2 पीस लेके आए थे, वाओ ब्यूटीफुल, एक्चुअली उन्होंने 2 पीस लेके आए थे इधर, एक्चुअली भैया ने 2 पीस लेके आया था, पर मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ था, मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ अगर ये आप इनको दे दीजिए तो ये भाई को एक, भैया मेरे लिए मैं हमेशा रखूँगा इसको, मेनी टाइम, हमेशा, एवरी टाइम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, याद रहेगा आपने ये गिफ्ट दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वाह मस्त अम्ब्रेला है भाई, गजब का। हे गाइस, जिन भैया ने हमें अम्ब्रेला गिफ्ट किया, देखिए हमने अम्ब्रेला लगा लिया भाई साहब, तमिलनाडु में बहुत गर्मी, बहुत धूप होती, हमको अम्ब्रेला गिफ्ट करती एंड ये अम्ब्रेला खोल के चलती, भैया बहुत खुशी मिलती यार सच में, हो बहुत अलग कर रहे हैं हम लोग यार, मज़ा आ गया यार, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही है हमको रास्ते में, और
वो भैया हमको दो अम्ब्रेला दे रहे थे, बट क्या है ना, हमने सोचा यार चलो एक ही ले लेते हैं, अपने पास उतनी जगह भी तो नहीं है रखने के लिए, और दूसरा अम्ब्रेला हमारे पास था ऑलरेडी जो दीपक भैया ले रखे हैं, तो हमने बोला कोई बात नहीं, तो मुझे ये गिफ्ट किया है यार छाता, मज़ा आ गया यार भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। गाइस हम लोग रोड बाई रोड चल रहे थे भाई, तो ये देखिए ये भाई बाइक से जा रहे हैं। ओके ओके ओके, ओह यार बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही है यार तमिलनाडु में, क्या बात है यार, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा आज के जनरेशन का जो गाड़ी रोकता ना हो। हे गाइस अभी हम लोग भैया के पास रुके हैं, और अभी यहाँ हम यार कुछ खाने वाले हैं यार, भाई साहब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ हम लोग राइस बनवा रहे हैं, फ्राई राइस, अभी फ्राई राइस खाएंगे भाई, उसके बाद यहाँ खाने पीने के बाद सीधा निकलेंगे आगे यार, यहाँ से डिंडीगुल समथिंग 12 से 13 किलोमीटर है, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है भाई, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे यार, देखते हैं कैसा बनाते हैं ये लोग यार, वैसे भी तो तमिलनाडु का खाना पहली बार खा रहे हैं हम लोग, हाँ देखते हैं। गाइस देखिए मेरे पीछे इमली की खेती है भाई साहब, यहाँ इमली की खेती होती है यार, वो भी छोटे छोटे पौधे हैं, और मैं बता दूं आप लोगों को तमिलनाडु डिंडीगुल में है मैं इस वक्त, और ये पीछे पूरा इमली का बाग है यार, छोटी छोटी इमली है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैंने अभी एक इमली तोड़ी भी है, ये देखो एक इमली तोड़ ली है भाई, अभी आगे चलते हैं देखते हैं, ज़्यादा पेड़ होगा तो और इमली तोड़ लेंगे। हे गाइस रास्ते में हमें अन्ना मिले, विजय नाम है, कार्तिक एंड विजय भैया मिले हमें, सच में यार इतना मतलब प्राउड फील हो रहा है, ये इनका कहने का मतलब यही है भाई साहब कि नॉर्थ ईस्ट साउथ कुछ भी एक नहीं, ओनली फॉर इंडिया, हम सब इंडियन हैं और हम सबको मिल के रहना चाहिए, हम लोग एक हैं, एक हैं, सच में भारतवासी है, भारत सब कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आप लोगों का, ये सब लोगों ने ये सब टीका वगैरह लगाए, इन्होंने तो बहुत अच्छा लगा यार, मुझे भी यहाँ आके तमिलनाडु बहुत अच्छा फील हो रहा है कि नहीं सब हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाषा अनेक हैं, बेसक भाषा अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, सबका दिल सबका एक है, सबका दिल एक है, तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्वागत किया हमारा इतना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हे गाइस इस वक्त हम डिंडीगुल में हैं, और मैं बता दूं आप लोगों को अभी हमारा इस मंदिर में है, और इस मंदिर में बहुत बड़ा स्वागत होने वाला भाई साहब, थोड़ी शक्ल चेंज हो गई बट नो चलेगा, शक्ल तो चेंज हो गई है बट यार दिल खुशी बहुत, मुंह धोनी है क्या, पीछे खड़ा गया यार। हेलो गाइस इस वक्त हम हैं डिंडीगुल में, और मैं बता दूं आप लोगों को हम लोग एक बहुत बड़े टेम्पल के अंदर बैठे हुए भाई साहब, और बहुत अच्छे से स्वागत किया जा रहा है हमारा, बहुत मज़ा आ रहा है हमारा, अन्ना तमिलनाडु में सबको अन्ना ही बोलते हैं, टोटल अन्ना, यू नो टेल अन्ना 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 एंड स्वामी सबको बोलते हैं भाई, तो ये टेम्पल के अंदर सभी लोग इस प्रकार से बैठे हुए भाई साहब, देख लीजिए आप लोग, और इधर इधर दिखा दीजिए देखिए, और अपने दीपक भैया बैठे हैं इधर, एंड सेल्फी ओके बोल रहे हैं, सेल्फी ले लो एक, ओके ये गाइस दीपक भैया कुछ बोलना चाहते हैं भाई, एक्चुअली बात ये सी है भाई कि शाम के टाइम हम जैसे ही एक जगह ढूंढ रहे थे, एक जनाब मिल गया मेरे को, ये मैं मिला हूँ, इसके बाद हम पर एक जगह पे आ गए हैं, और अभी एकदम अलग ही माहौल में बैठे हैं ब्रो, बाकी आगे का अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो गाइस हम लोग डिंडीगुल में हैं, तमिलनाडु डिंडीगुल में, और भाई साहब बड़ी जबरदस्त स्वागत हो रहे हैं हमारे यहाँ, लोगों को हम लोग बाइक वॉल चल रहे थे पैदल, तभी हम लोगों को भैया मिल गए, एक वो भैया मिल गए, एक्चुअली उन्होंने हमें हमारी बहुत ढेर सारी हेल्प किया, हमें जूस वगैरह पिलाया, एंड क्या बोलते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ लेके आया, ये बहुत बड़ा टेंपल है, बहुत बड़ा मंदिर है, इन लोगों के भगवान थोड़ा डिफरेंट है यार हमारी तरफ से, सब सेम है, लक्ष्मी पार्वती सब सेम है, बट
इतनी ज़्यादा हेल्प की यार, ये लोगों ने बोला कि अभी आप लोग इस टेंपल पे रुकिए, थोड़ा स्टे कीजिए और कुछ खाइए पीजिए, नाश्ता वगैरह कीजिए, खाना वगैरह खा लीजिए, इसके बाद आप लोग चाहे तो इस टेंपल में या फिर कहीं दूसरे टेंपल में वहाँ आप आराम से क्या बोलते हो कैंपिंग करके सो सकते हैं। तो सभी के लिए थैंक यू सो मच, स्पेशली भैया के लिए, ये रास्ते में हमें मिले थे, बहुत मज़ा आया इनके साथ रह के, एंड भैया और दूसरे भैया वो जो जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मज़ा आ गया भाई साहब, सच में बहुत हेल्प किया यार हम, स्पेशली मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो थोड़ा सा वहाँ का कल्चर है ना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं एनी टाइम, हिंदी, तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तो ये सोच के हमें थोड़ा डर लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा, बट यार यहाँ आने के बाद सच में हमें पता ही नहीं था कि हम लोग इतने अच्छे जगह पे आने वाले हैं, और थैंक यू सो मच इन जनाब लोगों का, और रियली रियली थैंक यू सो मच, मतलब अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल, मतलब मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता कि इतना सारा प्यार मिलेगा, और भी ऑन द वे, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच आपका सभी का शुक्रिया बहुत बहुत। தம்பி பேசின விஷயம் என்னன்னா, சுமாராக 2900 கிலோமீட்டர் வந்து அவர் நடந்து வந்திருக்கார். அவரோட முக்கியமான கொள்கை என்னவா இருக்குன்னா, நம்ம அனைவரும் இந்தியர்கள், நம்ம அனைவரும் இந்தியர்கள், காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை ஒரே நாடு, நம்ம அனைவரும் இந்தியர்கள். ரெண்டாவது, இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு நிறைய பேருக்கு நோய் வாய்ப்பு, நிறைய பிரச்சனைகள் காரணம்னா வீட்லேயே இருந்திருந்தது, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிறது நிறைய பேர் நான் அவங்க தன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியமே போயிடுச்சு. அதனால் நடைங்கிறது நம்மளுடைய பூர்வ காலத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமானது. நம்ம கூட இப்போ வாக்கு கூட நம்மளாம் வாக்கு ஓகஸ், அப்போ நடை பண்ணும் பொழுது தான் நம்ம உடம்பு अचीवमेंट हम लोगों ने एक्सेप्ट किया भाई साहब तमिलनाडु में इस मंदिर में। देख लीजिए आप लोग वहाँ जो बैठे हुए हैं सब लोग, वो अपनी भाषा में, तमिल भाषा में कुछ स्पीच दे रहे हैं। इस टेंपल का मतलब ये नियम है कि यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, पर डे मीटिंग होती है, सो मतलब सभी चीज़ें यहाँ होती हैं जो भी करते हैं वो। तो भाई साहब मैं तो सच में बोल रहा हूँ यार, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अचीवमेंट एक्सेप्ट किया है, एंड मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना खुश था यार, खुशी के मारे मेरे आंसू निकल पड़े सच में यार, आई कांट बिलीव। वो देखिए वो लोग अपनी भाषा में स्पीच देते हैं, ये सब लोग मिल के यहाँ के जो लोग हैं इस जगह के लोकल के, तो ये सब लोग मिल के ना ये मंदिर चलाते हैं भाई साहब, यहाँ खाना वगैरह, यानी सभी लोग पैसे डोनेट करते हैं, तो अपना मंदिर का खाना हो गया, पुजारी हो गए, और यहाँ पूजा करने वाले हो गए जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए प्रसाद वगैरह वगैरह सभी चीज़ें ये पैसा इकट्ठा करके कंप्लीट करते हैं अपना। ओह थैंक यू सो मच, दिस इट, मैं खाना खा लूँ उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ।